तो हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लोएम के कंपोनेंट्स को हम लोग देख रहे थे, है ना। तो जाइलम के कंपोनेंट को हम लोग देख चुके हैं, हमने जाइलम कंप्लीट कर चुका हमने। अब हमारे हैं फ्लोएम के बारे में। तो सबसे पहले फ्लोएम क्या है, हम लोगों ने डिस्कशन में ये बताया कि फ्लोएम भी कंडक्टिंग टिश्यू है और वो फूड को कंडक्ट कर रहा है। कहाँ से कहाँ कर रहा है, तो पत्ते में खाना बन रहा है, लीफ इज प्रोड्यूसिंग फूड, ये पत्ता है। और पत्ता क्या कर रहा है, ये दिखा रहे हैं हम लोग, वेन्स है। वाटर यहां पहुंचा एक प्लांट में, ये प्लांट था, रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ फाइनली वो डिफरेंट लीफ तक पहुंच गया। और लीफ का काम था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, ये खाना बना रहा था। तो लीफ को हम लोग मम्मी का नाम दिए कि लीफ मम्मी है जो खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद ये फूड को डिफरेंट बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के भेजना था। और इसको भेजने में जिस कंडक्टिंग टिश्यू का रोल था उसका नाम था फ्लोएम। ये देखो टर्म कैसे बना, फ्लो, खाना फ्लो होगा, खाना पहुंचेगा, कंडक्ट करेगा, एक पाइपलाइन होगी जो खाने को फ्लो करते हुए पहुंचाएगा, इसलिए नाम पड़ा फ्लोएम। तो कैसा टिश्यू हो गया फ्लोएम, फ्लोएम इज ए फूड कंडक्टिंग टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जाइलम इज ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, जबकि फ्लोएम की बात हम लोग कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, फ्लोएम इज ए फूड कंडक्टिंग टिश्यू। खाना बना कहां पे है, तो फूड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड अ लीफ, लीफ में खाना बन चुका है। अब इस खाना को ये स्टोर करेगा और फिर ट्रांसलोकेट करेगा डिफरेंट, तो ये दिखा रहे हैं हम लोग, ये खाना को फिर से क्या करेगा, कैरी करना शुरू करेगा और डिफरेंट पार्ट में, प्लांट में स्टेम होगा, डिफरेंट एंगल्स होगा, डिफरेंट ब्रांचेस होगा, जहाँ पे फूड को पहुँचाना है। और कभी कभी तो रूट में भी फूड स्टोर रहता होगा, ऐसा बहुत सा रूट तुम लोग देखे होगे, जैसे स्वीट पोटैटो है ना, क्या देखे स्वीट पोटैटो में, ये बिल्कुल बल्ज किया हुआ था, वो रूट है और उस रूट में फूड स्टोर है। इसका मतलब लीफ जहाँ पे खाना बना इसको कहा गया सोर्स, और जहां पे आके ये स्टोर हो रहा है इसको कहते हैं सिंक। नाउ देयर आर टू टेक्निकल वर्ड, दोनों वर्ड को अच्छे समझना है। जहां से फूड का माइग्रेशन शुरू हो रहा है, जहां पे फूड मूव करना शुरू कर रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सोर्स। और जहां फाइनली वो आके स्टे करता है, स्टोर हो जाता है, उसको कहते हैं सिंक। तो इस नॉर्मल कोर्स में लीफ को कहेंगे सोर्स या सिंक, क्या बोलेंगे मेरा बताओ, चूंकि लीफ से फूड की शुरुआत हो रही है तो हम लोग कहेंगे लीफ इज ए सोर्स, और अगर ये रूट में जाके स्टोर हो गया तो हम लोग टर्म यूज करेंगे रूट इज ए सिंक। तो दो बातें हो गई, एक सोर्स और सिंक। लेकिन इस फूड को कैरी कौन किया, कैरी करने वाले टिश्यू का नाम था फ्लोएम। फ्लोएम कंडक्ट कर रहा था फूड को नॉर्मली फ्रॉम लीफ। हम लोग नॉर्मली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों प्रयोग कर रहे हैं ये समझाएंगे, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में तो फूड बन रहा है पत्ते में, नॉर्मल कोर्स में कहां बन रहा है, पत्ते में बन रहा है। लेकिन कभी कभी जब ये फूड स्टोर हो जाता है, जैसे हम लोग स्वीट पोटैटो की बात कर रहे हैं, तो अब पूरा पत्ता मर जाता है, अब धीरे धीरे पत्ता क्या हो जाता है, मर जाता है, और फूड उसी स्टोर्ड रूट में स्टोर रहता है। फिर अगले सीजन में उसी स्टोर फूड से नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है, नया प्लांट बनना शुरू होता है, तब ये जो स्टोर फूड था उस नए पत्ते में, जो नया पत्ता बन रहा था वहां पहुंचता है। तो यहाँ पे सोर्स और सिंक टर्म इंटरचेंज हो गया, अब फूड यहां से स्टोर फूड जो रूट में था वहां से ट्रांसमिट किया और नए पत्ते तक पहुंचा। मतलब फूड के मूवमेंट का डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शनल है, या कभी कभी ऑप्शनल आता है कि ये बाई डायरेक्शनल है। जबकि जाइलम की जब हम लोग बात करेंगे और वाटर कंडक्शन की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, वाटर कंडक्शन इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में पानी जा रहा है, कहां से कहां, फ्रॉम रूट टू द लीफ, डायरेक्शन इज फिक्स्ड एंड दिस डायरेक्शन इज यूनि डायरेक्शनल। लेकिन जब हम लोग फूड की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या टर्म यूज कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कैसे, जब पत्ते में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो दैट फूड इज बीइंग ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट पार्ट, जैसे ये पार्ट दिखा रहे हैं रूट में पहुंच रहा है, और फिर दूसरे सीजन में अगर वो स्टोर है
कहाँ पे, रूट में, तो इस स्टोर फूड का फिर माइग्रेशन हो रहा है, मतलब देयर इज ए टू वे और मल्टी डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ फूड। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, जाइलम और फ्लोएम में कंडक्शन के डायरेक्शन पे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वाटर इज बीइंग कंडक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ फूड वी विल से द डायरेक्शन ऑफ फूड इज मल्टी डायरेक्शन, और द बेटर वर्ड इज इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, लेकिन फूड कंडक्ट कौन कर रहा था, हमने कहा कंडक्टिंग एलिमेंट इज फ्लोएम, फूड को कंडक्ट कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है, और कहां से कर रहा होगा, सोर्स है, नॉर्मल सोर्स क्या है, लीफ है, लीफ में खाना बन रहा है, और ये खाना कहां पहुंच रहा है, हम लोग कहेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जहां पहुंच रहा है उसको कहते हैं सिंग, और जहां से ओरिजिनेट किया उसको कह दिए सोर्स। फिर हम लोग कहते हैं फ्लोएम को प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, फिर जाइलम से इसको कंपेयर करो, हम लोग ये टर्म समझाए थे, जिस समय प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट बन रहा था उस समय जो फ्लोएम दिख रहा होगा उसका नाम रखेंगे प्राइमरी फ्लोएम, और जिस समय प्लांट डायमीटर में इंक्रीज कर रहा था उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते थे, सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो फ्लोएम अपीयर हुआ उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। तो फ्लोएम फिर कितने तरह का हो गया, जाइलम की तरह फ्लोएम भी दो तरह का हो गया, एक का नाम रखे प्राइमरी फ्लोएम और दूसरे का नाम रखे सेकेंडरी फ्लोएम। तो अब बच्चों तुम लोग बताओ प्राइमरी फ्लोएम कब मिलेगा, तो कहेंगे इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जिस समय प्लांट लंबाई में बढ़ रहा था उस समय जो फ्लोएम होगा उसका नाम रखेंगे प्राइमरी फ्लोएम, और जब प्लांट डायमीटर में इंक्रीज कर रहा था कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था, उस समय जो फ्लोएम बना उसका नाम क्या रखेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। तो फ्लोएम कितने तरह का हो गया, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, और प्राइमरी फ्लोएम इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और प्राइमरी ग्रोथ हम लोग किसको कहे, प्राइमरी ग्रोथ हम लोग कहे इलोंगेशन ऑफ द प्लांट, प्लांट जब इलोंगेट हो रहा था ना तो अब इसका नाम रखते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब हम लोग आते हैं दो टर्म फिर, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, ये वर्ड फिर प्राइमरी फ्लोएम से रिलेटेड है। जब प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट हो रहा था तो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दो शब्द का प्रयोग किए, वो इस बेसिस पे किए कि पहले जो सीव ट्यूब बना जो फूड को कैरी कर रहा है उसके कंपोनेंट का नाम है सीव ट्यूब, उसका डायमीटर छोटा होगा, लेसर डायमीटर का होगा तो नाम रखेंगे प्रोटो, और जब लार्जर डायमीटर का सीव ट्यूब बन जाएगा तो उसका नाम रखेंगे मेटा। हमने इस शब्द को समझाने के लिए छोटे डायमीटर के लिए प्रोटो और मोटे डायमीटर के लिए मेटा शब्द का प्रयोग किया, याद रखने के लिए, मेटा मींस विथ मोटा, मेटा मींस मोटा, एंड मेटा मींस विथ लार्जर डायमीटर, प्रोटो मींस छोटा, मीनिंग बाय विथ स्मॉलर डायमीटर। तो ये दो टेक्निकल वर्ड आ गया, कौन कौन सा वर्ड आया, प्रोटो एंड मेटा। तो ये दूसरी बात हम लोग समझ में आ गई, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। अब हम लोग चलते हैं एक सीव ट्यूब के में कौन कौन सा एलिमेंट्स होगा जिसको हम लोग कह रहे थे, तो हम लोग जब फ्लोएम की बात करेंगे तो कहेंगे पहले एलिमेंट का नाम रखे हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। जरा शब्द को ध्यान से देखो, सीव की सीव शब्द का मतलब क्या होता है, सीव शब्द का मतलब होता है छन्नी, जो हम लोग घर में चाय की छन्नी यूज करते हैं ना, चाय छानते हैं, दैट छन्नी इज वॉट, दैट इज ए सीव। तो किसी भी तरह की जाली को जिसमें पोर्स होता हो हम लोग कहते हैं सीव। अब यहां पे टर्म है सीव ट्यूब, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके एंड्स पे एक जाली लगी हुई हो, कैसा स्ट्रक्चर होगा समझो, जरा सा कल्पना करो, एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके एंड्स पे हम लोग क्या लगा दिए हैं, एक प्लेट जिसपे छोटा छोटा पोर्स है, उस पोर्स को हम लोग क्या कह देंगे, सीव। तो ये दिखा रहे हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके एंड्स पे एक प्लेट दिखा रहे हैं और प्लेट में छोटा छोटा पोर्स दिखा रहे हैं। तो अब चूंकि ये एंड्स पे पोर्स को कैरी करता है इसीलिए नाम पड़ा सीव,
और चूंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए पूरा नाम हुआ सीव ट्यूब, जाली वाला ट्यूब, एक ऐसा ट्यूब जो पोर्स को कैरी कर रहा है। और पोर्स कहां पे लोकेटेड है, तो ध्यान से देखो, इस ट्यूब के एंड्स पे एक पोर है, फिर दूसरा ट्यूब शुरू हुआ इसके भी एंड्स पे एक पोर है, फिर तीसरा ट्यूब शुरू हुआ, हर ट्यूब के एंड्स पे पोर है, इसीलिए इस कंपोनेंट का नाम हम लोग रखे सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब के बारे में और हम लोगों को जानना है। सीव ट्यूब के बारे में जो पहली बात हम लोग जाने, ये लॉन्ग ट्यूब अरेंज्ड वन अबव द अदर, कैसे है देखो, ये लंबा है एक, दूसरा, तीसरा, मतलब दे आर लॉन्ग ट्यूब। कैसे अरेंज है, एक के ऊपर एक अरेंज है, अरेंज वन अबव द अदर। अब चलते हैं इसके वॉल को जरा सा कंपेयर करें, दे आर थीन वॉल्ड, बहुत पतला वॉल है, तो दे आर थीन वॉल्ड। लेकिन जब हम लोग इसमें एक और कंपोनेंट की बात करेंगे, पेरेन्काइमेटस सेल, तो ये पेरेन्काइमेटस सेल से ज्यादा थीन नहीं है, कंपैरेटिवली ये थीन है, लेकिन इससे भी ज्यादा थीन होगा पेरेन्काइमा का वॉल जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये वॉल किसका बना हुआ है, तो कहेंगे सेलुलोज का बना हुआ है, द वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब आते हैं एक मैच्योर्ड सीव ट्यूब को देख रहे हैं। मैच्योर्ड शब्द हमने कहा, यहां पे दो क्वेश्चंस मेडिकल में आ चुका है, जब सीव ट्यूब छोटा होता है, छोटा बच्चा था जब ये ग्रो कर रहा था, इसमें न्यूक्लियस मिल रहा था, क्या मिल रहा था, न्यूक्लियस मिल रहा था, लेकिन जब ये बड़ा हो गया, ग्रो कर गया, तब इसमें अब न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है। फिर से बोलो, क्या बोले हम लोग, एक सीव ट्यूब में इनिशियली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, शुरू में तो न्यूक्लियस मिलता है, बट इन ए मैच्योर सीव ट्यूब, ये ट्रेडिशनल मेडिकल का क्वेश्चन है, क्या नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट एट मैच्योरिटी। ये जो टर्म लिखे है ना, इसको घेर दिए, बहुत अच्छे से समझो, नो न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, इसका मतलब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनिशियली, यही ना हम कह रहे हैं, मैच्योर होने पर नहीं मिला, तो आधी बात हम कहे, इसका मतलब ही निकलता है, इसका मतलब जब वो यंग था, जब वो छोटा था, इसमें क्या था, न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंट्रल ऑफ ए सेल। तो इसके अंदर ऑब्जर्व करना शुरू किए, क्या देखे, पेरिफेरल पोर्शन पे साइटोप्लाज्म मिल रहा है, ये दिखा रहे हैं, इसका पेरिफेरल पोर्शन है, ये भी, इसको ट्यूब लाइक तुम सोचो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चारों तरफ इंटरनली क्या लगा होगा, साइटोप्लाज्म तो है, तो हम लोग कहेंगे थीन वॉल्ड और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म भी कैसा दिख रहा होगा, थीन लेयर का दिख रहा था। इस साइटोप्लाज्म में जब हम एक मैच्योर्ड सीव ट्यूब को देख रहे थे, तो क्या क्या दिखा और क्या नहीं दिखा, इसमें सेंट्रली लोकेटेड एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे देयर इज नो न्यूक्लियस, कब नहीं दिखा, ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब अगर एक यंग सीव ट्यूब को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा, लेकिन जब ये ग्रो कर गया है, जब ये मैच्योर्ड कर गया है, अगर हम उस समय की बात करें तो क्या कहेंगे, देयर इज नो न्यूक्लियस। अब बहुत अच्छे से इस बात को समझना है, अब एक पॉइंट ये समझना है कि इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, सीव ट्यूब इज ए ट्यूब लाइक अरेंजमेंट प्लेस्ड वन अबव द अबव, है ना, लॉन्ग ट्यूब अरेंज्ड वन अबव द अदर, वॉल कैसा, थीन वॉल, किस चीज का बना हुआ, सेलुलोज का बना हुआ, लेकिन फिर अभी अभी क्या बताए, थीन जरूर है, लेकिन पेरेन्काइमा का वॉल उससे भी ज्यादा थीन है। थर्ड पॉइंट क्या बताए, साइटोप्लाज्म कहां मिल रहा था, पेरिफेरल पोर्शन पे साइटोप्लाज्म मिल रहा था, अंदर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी दिख रहा था, और जहां पे सीव ट्यूब एंड हो रहा था यहां पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर था जो परफोरेटेड था, जिसमें छोटे छोटे पोर्स थे, ये जो प्लेट्स दिखा रहे हैं इसमें छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर को देखो, ये छोटा छोटा पोर है। और अब हम लोग कहेंगे इसी
का नाम दिया गया सीव प्लेट। इसका नाम क्या दिया गया? सीव प्लेट। अब सीव प्लेट का दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। एक सीव प्लेट तो हॉरिजेंटली लगा रह सकता है और दूसरा बॉडी में ऑब्लिकली लगा रह सकता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें कैसा दिखा रहे हैं हम लोग? इसमें हम लोग दिखा रहे हैं ऑब्लिकली लगे हुए सीव प्लेट को। जब कभी ये ऑब्लिकली लगा रहता है, हम लोग इसको कंपाउंड सीव प्लेट का नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अब कंपाउंड सीव प्लेट। लेकिन जब ये नॉर्मली हॉरिजेंटल लगा रहता है, तब हम लोग इसको कहते हैं सिंपल सीव प्लेट। दो टर्म यहां पे यूज किए, कौन कौन सा? एक सिंपल सीव प्लेट और दूसरा कंपाउंड सीव प्लेट। फिर से इन बातों को देखो। सीव ट्यूब के एंड्स पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या रखे? सीव प्लेट। जो कैसा है? ये परफोरेटेड है, इसमें पोर्स है और इसी पोर्स के थ्रू, देखो डायग्राम में ध्यान से, लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड हो रहा है। ये जो खाना इसके अंदर बना था, जो कैरी हो रहा था, वो इसी पोर के थ्रू, तो कहते हैं फूड इज कंडक्टेड थ्रू दिस पोर्स। वो जो पोर्स था ना, उसी से खाना क्या हो रहा है? कंडक्ट हो रहा है। और कंडक्शन कैसे हो रहा है? देखो, लैटरल कंडक्शन हो रहा है, इस तरह से खाना फ्लो कर रहा है और ये छोटा छोटा पोर्स है, इसके थ्रू खाना क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा था। तो सी प्लेट। लेकिन अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताने जा रहे हैं। और क्या कहे कि जब सी प्लेट छोटा था, जब सीव ट्यूब यंग था, उस समय तो इसमें न्यूक्लियस मिलता था, लेकिन जब ये मैच्योर्ड हो गया तो क्या नहीं मिल रहा है? अब न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है। अब जरा सा इस बात को कॉम्परेटिवली समझो। न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस उसी तरह की चीज है जैसे हमारे लिए आईज है। और सीव ट्यूब के बारे में हम लोग कहे कि सीव ट्यूब इनिशियली वॉज कैरिंग न्यूक्लियस, बट लेटर ऑन न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। मतलब एक व्यक्ति शुरू में आंखों के साथ था, बाद में वो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। अब जरा सोचना शुरू करो, हम लोग इस स्टोरी को, इसके कैरेक्टर को रिकॉल करने के लिए बता रहे हैं और देखो कैरेक्टर कितने तेजी से याद हो जाएगा। हमने क्या कहा? आईज की तरह, आईज जब दिखता है तभी हम अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो आईज हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है, हमको दिखता है आगे ठोकर, हम बाएं और दाएं हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस को एक सेल का कंट्रोलिंग सेंटर माना गया। और अब कह रहे हैं कि न्यूक्लियस नहीं है, मतलब एक आदमी जो पहले ठीक ठाक था अब ब्लाइंड हो गया। अब क्या होगा? अब ऐसे ब्लाइंड आदमी को एक हेल्प की जरूरत पड़ेगी, एक कॉम्पेनियन की जरूरत पड़ेगी, एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। और अब वो पार्टनर उसके साथ लाठी ले लेके आगे आगे चल रहा है। मतलब उसको जो उसका पार्टनर है, हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पेनियन, मतलब पार्टनर। ठीक उसी तरह से इस सीव ट्यूब में अब क्या नहीं मिल रहा था? न्यूक्लियस नहीं मिल रहा था। इसीलिए इसके बगल में एक और सेल है जिसके पास न्यूक्लियस है और ये इसके पार्टनर के रूप में काम करना शुरू किया। इसीलिए इस बगल वाले सेल का नाम दे दिए कॉम्पेनियन, मतलब होता है साथ देने वाला। कॉम्पेनी मतलब होता है जो तुम्हारे साथ, कॉम्पेनी दे दो, पार्टनर हो सकता है। तुम कहीं जा रहे हो तो अपने दोस्तों को किसी से बोले चलो तुम हमें भी कॉम्पेनी दे दो। तो कॉम्पेनियन शब्द का मतलब क्या होता है? पार्टनर। तो ये इसका पार्टनर सेल था। किसका? सीव ट्यूब का। क्यों पार्टनर बोले? क्योंकि अब यही इसके एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। किसकी एक्टिविटी को? सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। कौन? कॉम्पेनियन सेल। इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉम्पेनियन। रटने की जरूरत नहीं है, शब्द को समझना है। कॉम्पेनियन मतलब पार्टनर, कॉम्पेनियन शब्द का मतलब पार्टनर। और ये चूंकि पार्टनर, ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इसके पास आईज है, इसके पास न्यूक्लियस है। अगर इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता और इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता तो देखो दुर्घटना कैसे घटती। एक बेचारा अंधा आदमी और उसके साथ लकड़ी लेके चलने वाला उसका पार्टनर भी अंधा, दोनों को सड़क क्रॉस करना था, दिख ही नहीं पाया तो क्या हो जाएगा? सड़क के नीचे गड्ढे में गिर जाएगा। कम से कम एक पार्टनर के पास तो आईज होना चाहिए, जो लकड़ी लेके साथ में चल रहा है उसके पास क्या होना चाहिए? आईज होना चाहिए,
तभी तो अपने साथी को ठीक से सड़क क्रॉस करा पाएगा। बिल्कुल यहां भी वही बात है। कॉम्पेनियन सेल के पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीव ट्यूब के पास अब क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जब वो यंग था तब उसके पास न्यूक्लियस था। तो हम लोग इसका नाम रखे कॉम्पेनियन सेल। और हर एक सीव ट्यूब के साथ एक एक कॉम्पेनियन सेल अटैच दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सभी ट्यूब सेल ब्लाइंड हो चुका है ना। सभी ट्यूब सेल जिसको सीव ट्यूब कह रहे हैं वो क्या हो चुका है? ब्लाइंड हो चुका है, मतलब इट हैज लॉस्ट द न्यूक्लियस। अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए हर एक सीव ट्यूब इज एसोसिएटेड विद किसके साथ जुड़ गया? एक एक कॉम्पेनियन सेल के साथ अटैच हो गया। अब देखो ये कॉम्पेनियन सेल है, और व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ कॉम्पेनियन सेल तुमको क्लियर हो गया इस कॉम्पेनियन सेल में क्या मिलना चाहिए। इस कॉम्पेनियन सेल में न्यूक्लियस शुड बी देयर, न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए, इसीलिए देयर इज ए न्यूक्लियस। अब आ जाओ इन दोनों के बीच का वॉल, ये दिखा रहे हैं सीव ट्यूब और ये दिखा रहे हैं कॉम्पेनियन सेल, इनके बीच के वॉल में थिकनेस बहुत कम हो जाता है। इस एरिया का नाम दिया गया पिट फील्ड। क्या नाम दे दिया इसको हम लोग? इस एरिया का नाम दिया गया पिट फील्ड। तो जो कॉमन वॉल था, ये जो कॉमन वॉल दिखा रहे हैं इन दोनों के बीच का, इसका थिकनेस कम हो जाता है। क्यों कम होता है इसको भी समझना है। अगर थिकनेस दोनों के बीच में ज्यादा होता तो इसके लिए डिफिकल्ट होता इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। और इन दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में? सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल के बीच में कुछ साइटोप्लाज्म का फाइबर, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं उसको हम लोग? प्लाज्मोडेस्माटा। ये रन कर रहा है और यही साइटोप्लाज्म का फाइबर हेल्प कर रहा है किस चीज को? इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। किसके सहारे? विद द हेल्प ऑफ कॉम्पेनियन सेल। और ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि कॉम्पेनियन सेल में क्या अवेलेबल है? न्यूक्लियस अवेलेबल है। तो ये तुमको अब क्लियर हो गया हम लोग इस सेल का नाम कॉम्पेनियन सेल क्यों रखे। क्लियर हो गया बच्चों? कॉम्पेनियन सेल इसलिए रखे क्योंकि ये कॉम्पेनी कर रहा है, ये पार्टनर की तरह बिहेव कर रहा है, ये सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल कर पा रहा है। और क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है। और किसके पास न्यूक्लियस नहीं है? सीव ट्यूब के पास। जब वो मैच्योर्ड हो गया है तब न्यूक्लियस नहीं है, जब वो छोटा बच्चा था तब उसके पास न्यूक्लियस था, आंखें थी, जब वो बड़ा हो गया अब वो ब्लाइंड हो गया, जब ये मैच्योर्ड हो गया इट हैज लॉस्ट न्यूक्लियस। और अब इसको एक सहारे की जरूरत है और उस सहारे का नाम है कॉम्पेनियन सेल। क्या नाम है सहारे का? कॉम्पेनियन सेल। अब हम लोग यहां पे कुछ खास बात बताते हैं। सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल दोनों का ओरिजिन एक कॉमन सेल से हुआ था। जिस समय इवोल्यूशन हो रहा था दोनों ही एक ही कॉमन सेल से, एक सेल था जिससे सीव ट्यूब भी बना और कॉम्पेनियन सेल भी बना, मतलब देयर एंसेस्टर इज कॉमन। क्या बोलेंगे? इनके पूर्वज एक हैं। इसका मतलब हम लोग टर्म यूज करेंगे दे आर सिस्टर सेल। इसीलिए क्या टर्म यूज किए? ये दोनों सिस्टर सेल्स हैं। क्यों बोले ऐसा? क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक कॉमन सेल से हुआ। फिर हम लोग आते हैं दो तीन खास बातें। ये जो हम लोग कॉम्पेनियन सेल्स की बात कर रहे थे, ये कॉम्पेनियन सेल कहां मिलता है और कहां नहीं मिलता है। फिर हम लोग आते हैं सीव ट्यूब के बारे में। तो हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म में है ना, और टेडोफाइटा में, ये दो जो ग्रुप ऑफ प्लांट है, यहां पे प्रॉपर सीव ट्यूब नहीं मिलता है बल्कि सेल्स मिलता है जिसको सीव सेल्स कहते हैं। सीव सेल्स सीव ट्यूब की तरह इलोंगेटेड और एंड टू एंड प्लेस्ड नहीं होता है, और ये एक एक सेल अरेंज रहता है, और वहां पे उसके पार्टनर का नाम भी बदल गया। वहां पे सीव प्लेट्स से जुड़े हुए, सीव ट्यूब से जुड़े हुए हम लोग सीव सेल का नाम दिए, उसके जुड़े हुए पार्टनर का नाम कॉम्पेनियन सेल नहीं बल्कि एल्ब्यूमिनस सेल कहेंगे। क्या टर्म यूज करेंगे हम लोग? अब एल्ब्यूमिनस टर्म यूज करेंगे। तो कहते हैं दे आर कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सेल। तो फिर एक क्वेश्चन यहां पे मेडिकल का लायक, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म
सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट, इंस्टेड सीव सेल्स आर प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में और टेडोफाइटा में क्या मिलेगा? सीव सेल्स मिलेगा। फिर आते हैं कॉम्पेनियन सेल की जगह पे कौन सा सेल मिलेगा, तो नाम रखे एल्ब्यूमिनस सेल। अब यहां पे ये टर्म फिर समझाते हैं हम लोग, एल्ब्यूमिनस नाम कैसे पड़ा। एल्ब्यूमिन शब्द आया अंडे के एग के व्हाइट पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। और ये नाम कैसे पड़ा, एक्चुअली ये लैटिन वर्ड था जिसका मतलब था व्हाइट इन कलर। इसका मतलब क्या था, तो एल्ब्यूमिन ऑफ एग इज ऑलवेज व्हाइट इन कलर, तो व्हाइट कलर को हम लोग एल्ब्यूमिन का नाम दिए। और जब भी कोई व्हाइट कलर का सेल दिखने लगा हम लोग इसका नाम रख दिए एल्ब्यूमिनस सेल। मीनिंग बाय उस सेल को जो जिम्नोस्पर्म और टेडोफाइटा में मिल रहा है उसका कलर कैसा होगा, दे आर व्हाइटिश इन कलर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एल्ब्यूमिनस सेल। तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग कॉम्पेनियन सेल्स के बारे में और दो तीन बातें बता रहे हैं। ये जो एरिया था ये लिविंग था, मतलब कॉम्पेनियन सेल्स कैसा था, लिविंग था। और कॉम्पेनियन सेल्स और सीव ट्यूब के बीच का जो पार्टीशन वॉल था उसका नाम क्या रखे थे, पिट फील्ड। और पिट फील्ड मतलब मैदान। ये मैदान का जो वॉल था कैसा था, ये पतला था, क्योंकि इनके थ्रू साइटोप्लाज्म का फाइबर एक दूसरे के बीच में रन कर रहा था ताकि ये इसकी पूरी एक्टिविटी को क्या करे, कंट्रोल करे। तो ये दो कंपोनेंट हम लोग समझे, एक का नाम था सीव ट्यूब और दूसरे का नाम था कॉम्पेनियन सेल। अब हम लोग चलते हैं दो स्पेशल पॉइंट को यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कशन है प्लांट डिफरेंट सीजन में कैसे बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं विंटर सीजन में। ये जो मौसम अभी आया जाड़े का, इस मौसम में बहुत से प्लांट में हम लोग देखते हैं पत्ता टूट टूट के गिर जाता है, इसको पतझड़ भी कहते हैं। अब ऐसे कंडीशन में जब पत्ता ही टूट गया तो क्या खाना बन रहा था, हम लोग बोलेंगे नो, अब ये खाना बनना बंद हो गया क्योंकि पत्ता क्या हो गया, टूट चुका है। जब पत्ता टूट गया तो ये जो पोर्स था ना उस समय, अब लैटरल कंडक्शन की जरूरत खत्म हो गई क्योंकि फूड ही नहीं बन रहा है। तो इन विंटर सीजन इन दोस प्लांट्स वेयर देर आर लीफ फॉल, बहुत सा प्लांट्स होता है जहां पे पत्ते टूटने लगते हैं, ऐसे जगह पे फूड की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है। और ये जो सीव प्लेट था, सीव प्लेट में जो पोर था ना, वो पोर की जो जाली थी, जो पोर था उसमें एक केमिकल सब्सटेंस, हमने कार्बोहाइड्रेट है, कैलोज आके डिपॉजिट हो जाता है। और अब हम लोग इसको कहते हैं कैलस पैड, उस स्ट्रक्चर का नाम। वो प्लेट के बारे में सोचो, एक चाय की स्टील वाली छन्नी के बारे में सोचो, चाय छानते छानते चाय का छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स उस छन्नी में क्या हो गया, भर गया। अब इससे चाय ठीक से हम नहीं छान पा रहे हैं तो कहेंगे ये कैलस पैड का फॉर्मेशन हो गया। और वो डिपॉजिट कौन सी चीज का हुआ है, डिपॉजिट हो गया है कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट। लेकिन क्या ऐसा ही मौसम हमेशा रहेगा, नहीं। विंटर के बाद फिर स्प्रिंग सीजन आएगा और जो ही स्प्रिंग सीजन आएगा नए नए पत्ते का फॉर्मेशन होगा और फिर से कंडक्शन की शुरुआत होगी। लेकिन चूंकि ये फिलअप हो चुका था किससे, एक कार्बोहाइड्रेट से, और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम था कैलोज, जो एक पैड नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था, पूरे पोर्स को प्लग कर दिया था, बंद कर दिया था। अब कंडक्शन क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए फिर से कंडक्शन हो हम क्या करते हैं, सपोज करो घर में चाय की हमारी छन्नी है और उसके पोर्स को हम लोग देख रहे हैं कि वो पूरा का पूरा बंद हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से चाय को छानने के लिए उसको निकालते हैं, गर्म पानी में डालते हैं और सुई से सारे पोर्स को फिर से क्या करते हैं, ठीक से पोर्स को बनाते हैं ताकि जो भी उसमें डिपॉजिट मटेरियल वो बाहर निकल जाए और फिर से वो चाय की छन्नी काम के लायक हो जाती है। ठीक इसी तरह से कैलेज नामक एक एंजाइम प्लांट प्रोड्यूस करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, कैलेज। और ये कैलेज क्या करता है, कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व कर देता है, क्या करता होगा। तो ये सोचो ये छन्नी है और ये पोर बंद हो चुका था, अब हम क्या किए, इस पोर को ये किससे बंद हुआ था,
कैलोज नामक सब्सटेंस से, कार्बोहाइड्रेट से इसको हम लोग क्या किए, डिसॉल्व कर दिए। जो ही ये डिसॉल्व हो गया, पोर्स फिर से रीओपन हो गया और हम लोग कहेंगे फिर से ये कंडक्शन का काम करने लगा। क्या करने लगा? फिर से ये कंडक्शन और फूड का काम करने लगा। तो ये दो एलिमेंट हम लोगों ने देखा, फ्लोएम के दोनों कंपोनेंट्स का क्या क्या नाम डिस्कस किए हम लोग। एक का नाम था सीव ट्यूब और दूसरे का नाम था कॉम्पेनियन सेल्स। अब थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट होगा, उसका नाम होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो ये दो कंपोनेंट हमारा खत्म हो गया। कौन कौन सा कंपोनेंट? तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्लोएम। फ्लोएम के दो कंपोनेंट में पहले कंपोनेंट का नाम था सीव ट्यूब, दूसरे कंपोनेंट का नाम था कॉम्पेनियन सेल। क्या क्या नाम था? सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल, दोनों नाम हम लोग बताए। सीव ट्यूब क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एंड्स पे छोटे छोटे पोर्स थे, इट वॉज कंटेनिंग सीव, इसमें सीव थी, जाली नुमा स्ट्रक्चर था, इसीलिए नाम दिया गया सीव। और सीव ट्यूब के बाद हमने कहा कॉम्पेनियन सेल। ये वर्ड कैसे डिराइव हुआ? फ्रॉम द वर्ड कॉम्पेनी। कॉम्पेनी शब्द का मतलब साथ देना, जो साथ देता वो तुम्हारा कॉम्पेनियन है, वो तुम्हारा पार्टनर है, जो इसके काम में साथ दे दिया उसका नाम रखे कॉम्पेनियन सेल। और क्या बताए कि सीव ट्यूब जब मैच्योर्ड हो गया था, इसके पास क्या नहीं था? इसके पास जब वो मैच्योर्ड हो गया था, इसके पास में न्यूक्लियस नहीं था, और कॉम्पेनियन सेल इसकी पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था। तो इसी के बेसिस पे ये नाम हम लोग दिए। तो ये हमारा दो कह सकते हैं एलिमेंट्स। क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हम लोग खत्म किए? पहले एलिमेंट्स का नाम रखे सीव ट्यूब, दूसरे एलिमेंट्स का नाम रखे हैं कॉम्पेनियन सेल। दोनों ही किसका पार्ट होगा? दोनों ही पार्ट था किसका? फ्लोएम का। अब फ्लोएम के तीसरे और चौथे पार्ट पे आ रहे हैं। तीसरे पार्ट का नाम होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा और चौथे पार्ट का नाम होगा फ्लोएम फाइबर।